सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज केमद्रुम योग के विषय में कुछ चर्चा करता हूँ। यह ज्योतिष का काफ़ी महत्वपूर्ण योग माना जाता है। इस योग में चंद्रमा और लग्न की स्थिति देखी जाती है। चंद्रमा से 1, 2 और 12 इन स्थानों में यदि कोई ग्रह नहीं हो और केंद्र स्थान में भी कोई ग्रह नहीं हो और लग्न से केंद्र स्थान में सूर्य के अलावा कोई ग्रह नहीं हो और यदि चंद्रमा को कोई भी शुभ ग्रह नहीं दिख रहा हो, और कुछ तो ज्योतिषाचार्य भी बताते हैं कि कोई भी ग्रह न दिख रहा हो और चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं हो, यानी पहले स्थान पर कोई ग्रह नहीं हो, तो यह केमद्रुम योग बनता है। और इस योग के बनने पर यह होता है कि व्यक्ति बहुत दरिद्र हो जाता है, मलिन हो जाता है, उसका कोई हित मित्र नहीं होता, यहाँ तक कि उसका परिवार भी उसका विरोधी हो जाता है और वो बहुत ही दीन बुद्धि वाला हो जाता है, हीन बुद्धि वाला हो जाता है, गंदे वस्त्र भी धारण करता है, बकबक बोलता है, वाचाल तो होता है परंतु बुद्धिमान नहीं होता, और बड़े घर में भी जन्म लेकर के वह गरीबी अवस्था को झेलता है, गरीबों जैसा जीवन जीता है। यदि चंद्रमा उसका शुभ राशि वाले ग्रह में हो, जैसे कि शुक्र की राशि में हो या गुरु की राशि में हो, यानी जैसे मीन राशि में हो या धनु राशि में हो, तुला राशि में हो या वृष राशि में हो, तो यह मतलब इसका प्रकोप कुछ कम हो जाता है या उतना दोषी नहीं होता है। तो यह योग आदि इस तरह से घटित हो कि आपके लग्न में बन रहा हो या आपके भाग्य भाव में बन रहा हो, यानी चंद्रमा आदि लग्न में हो या भाग्य भाव में हो, तो भाग्य भाव में होकर के तो बहुत ही दुर्भाग्य ले आएगा। यदि आय भाव में हो तो आय में दुर्भाग्य ले आएगा। लग्न में हो तो यह शरीर और व्यक्तित्व के ऊपर बहुत दुर्भाग्य ले आएगा। यदि यह विद्या स्थान में हो, संतान स्थान में हो, अर्थात पांचवें में हो, लग्न से पांचवें में हो, तो वहाँ भी यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य लाएगा संतान और विद्या के संबंध में। यानी यह जिस भाव में होगा उस भाव का तो अत्यधिक नाश कर देगा। यदि यह 12वें स्थान पर हो गया तो यह जेल यात्रा कराएगा। यदि दूसरे स्थान पर हो गया तो संपत्ति का विनाश करा देगा, अपने पिता से भी वैर करा देगा,
यदि तीसरे स्थान में हो तो व्यक्ति तो ऐसे ही मलिन है, और भी ज्यादा वह दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा, कोई पराक्रम नहीं करेगा, बहुत आलसी भी हो जाएगा। यदि चौथे स्थान में रहो तो माता से वियोग हो जाएगा और भूमि और वाहन इन सब से वंचित हो जाएगा वह। यदि सातवें स्थान पर हो तो पत्नी या अपने मित्रों से, अपने जो भी पार्टनर वगैरह रहे हैं कभी, तो उन सब से भी दूर कर देगा, व्यवसाय का बिल्कुल भी नाश कर देगा। अगर छठे में होगा तो ऋण इतना लाद देगा कि वह पागल जैसा होकर घूमेगा चारों ओर, कोई उसका सहारा नहीं रहेगा। अगर आठवें स्थान पर हो तो वह आयु तो खैर लंबी पाएगा, आयु तो खैर वह कहीं भी रहेगा, केमद्रुम वाले जो होते हैं वे आयु पाते हैं, भले उनकी दुर्गति होती रहती हो लेकिन जी लेते हैं लंबा। तो आठवें स्थान पर होकर के लंबी तो आयु पा लेगा वह, और बहुत ज़्यादा रहस्यमयी विद्याओं में वह लग जाएगा, लेकिन उनमें उसे सफलता नहीं मिलेगी, सिर्फ दुर्गति मिलेगी। दसवें स्थान में होगा तो उसकी दुर्गति इस तरह से होगी कि वो बड़े बड़े शेख चिल्ली जैसे सपने देखेगा, बड़े बड़े पद पाने का और बहुत बड़े बड़े बिजनेस करने का, बहुत ही समाज में ऊंचा उठने का, हाथ पैर झूठ मूठ का मारेगा और हवाई किले बनाएगा और कहीं कुछ नहीं पाएगा, वो बातों से ही वीर बनेगा और कोई भी पद नहीं पाएगा, और झूठे पद की प्रवंचना भी कर सकता है, अर्थात वो जिस पद का नहीं है वह भी बोलता रहेगा कि मैं अमुक हूँ मैं, इसे झूठे लोग नहीं, झूठे एसपी बन जाते हैं या जज बन जाते हैं, समाज में भागते रहते हैं, तो वैसी स्थिति में वह अपने को पाएगा। इस तरह से केमद्रुम योग वाला जो है अपने नाश का जिम्मेवार खुद बन जाता है, और इससे राहत पाने के लिए क्या किया जाए, अब यह एक उपचार की विधि है, तो इसका उपचार यही है कि वह महामृत्युंजय मंत्र का जप करे, भगवान शिव की आराधना करे। महामृत्युंजय मंत्र से वह पार हो सकता है। और योग की बात करूं तो उसे नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए और भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए और प्रणव प्राणायाम करना चाहिए। इन तीन प्राणायाम को करने से उसका कष्ट बहुत दूर हो जाएगा। और चंद्रभेदी प्राणायाम भी बहुत लाभकारी होगा, और चंद्र नमस्कार करें क्योंकि चंद्रमा इसका पीड़ित है, तो उससे भी इसको फायदा होगा। और साथ में यदि कभी कोई व्यापार वगैरह इस तरह का कुछ करना हो तो वह व्यक्ति जो है, जो सफेद चीजें हैं वह करे, और कभी भी तामसी भोजन नहीं करे, शुद्ध सात्विक भोजन करे तो उसका कष्ट दूर होगा। तामसी भोजन से केमद्रुम योग जो है और खतरनाक हो जाएगा और विकराल हो जाएगा, तो इन सब से उसका कष्ट कुछ घट जाएगा और कालांतर में वह कुछ अच्छी स्थिति में अपने को पाएगा। बहुत उच्च स्तर पर भले ना हो लेकिन औसत स्थिति में तो वह अपने को ला सकता है, तमाम तरह के उपायों को करके। और गुरु की, अपने गुरु की शरण में जाए, और वहाँ से, क्योंकि गुरु के शरण में जाने से बड़े बड़े कष्ट दूर होते हैं, तो गुरु की शरण में जाए
और उनकी सलाह से जो है किसी कार्य को अंजाम दे तो केमद्रुम योग जो है कुछ भंग हो जाएगा। वैसे भी बताया जाता है कि अगर अगर चंद्रमा पर पूर्ण बिंब पड़ रहा हो और बृहस्पति या शुक्र की दृष्टि उस पर हो, यहाँ तक कि बुध की भी हो, तो भी यह अशुभ फल जो है वह कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, और वह एक सामान्य सा जीवन जीने में सफल हो जाएगा। वैसे ज्योतिष निदान में यह भी बताया जाता है कि मून स्टोन धारण कर सकता है वह व्यक्ति, या मोती धारण कर सकता है, पर्ल अपने कनिष्ठा उंगली में। तो करीब 7:15 रत्ती से 11:15 रत्ती के आसपास तक वो धारण कर ले चांदी में, तो भी उसका कष्ट कुछ दूर होता है। और साथ में वह टोपाज धारण कर ले तो इसका योग जो है हल्का हो जाएगा। टोपाज भी 5:15 रत्ती से लेकर के 11:15 रत्ती तक अपनी कुंडली दिखला करके जैसी स्थिति हो किसी ज्योतिषाचार्य से तो वो बता सकते हैं, लेकिन 5:15 रत्ती से लेकर के 11:15 रत्ती के आसपास तक वो टोपाज धारण कर ले, पुखराज धारण कर ले, और अपना जो इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी है, उसमें धारण करें। बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल शोध करके उसे मंत्र से सिद्ध करके किया जाता है, तो वह जो है केमद्रुम योग को बहुत हद तक भंग करता है, और उसके अशुभ फल को पूर्ण अगर भंग नहीं भी करेगा तो अशुभ फल को बहुत हद तक कम कर देगा। तो इसमें इतना ही। हरिओम।